हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक्स टोटल ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिक होती हैं, एनडीए के एग्जाम में 5 से 6 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के। आप इस वीदियो को पूरा अगर देखोगे तो गारंटेड कर दोगे 10 अप्रैल को आप मेरी वीडियो पे आके जरूर कमेंट करना, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। तो वीडियो आपको पूरी देखनी है, कंप्लीट वीडियो देखिए आप, बेसिक से लेके छोटी से छोटी ट्रिक से लेके अच्छी लेवल तक की लास्ट में आपको ट्रिक बताने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहली जो ट्रिक है बच्चों, वो है आपकी एंगल की ट्रिक। अगर दो एंगल, जैसे ए प्लस बी आपके क्या है, दो एंगल हैं, ये ऐड होके 90 डिग्री हो रहे हैं, ठीक है। अगर दो एंगल आपके ऐड होके 90 डिग्री हो रहे हैं बच्चों, तो आपका टेन ए इंटू टेन बी और कॉट ए इंटू कॉट बी क्या होगा, हमेशा 1 होगा। इसका उल्टा भी होगा हमेशा, अगर टेन ए टेन बी बराबर 1 है तो इस बात की गारंटी है जो ये एंगल है इनका एडिशन कितना आएगा आपका 90 डिग्री आएगा। ट्रिक समझ आ गई होगी, इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं, बहुत मजा आने वाला है आज की इस वीडियो में। पहला बेसिक तो सवाल है, एनडीए के एग्जाम में आ चुका है, पहले किया जा चुका है सवाल। तो चलिए मैं आपके सामने सवाल दे दिया है और आई होप कि कुछ बच्चों का तो आंसर आ भी गया होगा। यार टेन फिफ्टीन और टेन सेवेंटी फाइव अगर आप ऐड कर रहे हो तो 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। तो सर अभी आपने ट्रिक बनाई कि अगर a प्लस बी 90 होगा तो वैल्यू 1 आ जानी है, बहुत अच्छी बात है। tan 30 और tan 60 फिर से 90 डिग्री हो रहा है, अगर 90 डिग्री हो रहा है तो 1, और tan 45 की वैल्यू 1 ही होती है। तो सवाल बिल्कुल चुटकियों का था, जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट पता चला आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, डायरेक्ट आंसर टिक कर दिया 1। इसी थीम पर, इसी ट्रिक पे मैं आपको एक दो सवाल और कराने वाला हूं, तो आप ट्राई कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, सवाल क्या है, सवाल है tan 4x tan 5x इक्वल टू 1। बच्चों क्या सवाल है, tan 4x tan 5x इज इक्वल टू 1। मैंने बताया कि अगर tan a इंटू tan b 1 है तो जो एंगल्स होंगे उनका जो एडिशन है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो ठीक है, 4x प्लस 5x बराबर 90 आएगा सर, ठीक है सर, 4x प्लस 5x बराबर कितना जाना चाहिए आपका 90। तो जब यहां से x सॉल्व करोगे तो 10 डिग्री आ जाएगा, x जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो यहां से 10 डिग्री आ जाएगा। आपको पूछा क्या है tan 3x, तो tan 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई, 10 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो आपका आंसर जो आ गया वो आ गया 1/√3। खैर चलिए, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात हो गई, छोटे छोटे सवाल हो गए, आई होप आपको पहले भी आते होंगे। अब मैं एक अच्छा सवाल और देता हूं आपको इसी ट्रिक पे, वो सवाल है tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी बराबर 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a/3। इस सवाल को जब आप सॉल्व करने जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको फिर से वही ट्रिक लगानी है। कौन सी, कि a प्लस बी जो एंगल है वो एक एंगल है और a माइनस बी दूसरा एंगल है, इन दोनों का जो एडिशन आएगा वो 90 डिग्री आना चाहिए। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे, a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर 90 डिग्री, तो b से b कट गया, 2a बराबर 90 आया, और a जो a की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 45 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी, 45 डिग्री। अब जैसे ही a की वैल्यू आप यहां पुट करोगे आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, tan 2 इंटू a की क्या है 45/3, तो 45 इंटू 2 कितना हो गया 90, 90/3 tan 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आप समझ गए होंगे। अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो ट्रिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ट्रिक नंबर 2 आज की इस वीडियो की क्या है बेटा, तीन ट्रिक है दूसरी ट्रिक के अंदर ही। ट्रिक क्या है कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा, बहुत आराम से समझाऊंगा, ध्यान से देखो, साइन 60 प्लस थीटा, अगर ऐसा कभी मल्टीप्लिकेशन बन रहा हो, या कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, या सेम एज देखो एक जैसी है ना तीनों, इसीलिए एक साथ बता दी, टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा, तो इनके जो आंसर आते हैं वो बड़े आसान आंसर है, आपको याद कर लेने हैं, जरूर जरूर याद कर लेने हैं। लास्ट ईयर एनडीए एग्जाम में आप देखोगे तो 5-6 बार यहां से सवाल आ चुका है। तो साइन वाले का आंसर आता है साइन
वन बाई फोर साइन थ्री थीटा, ठीक है। थीटा क्या है यहाँ पे, ये वाली चीज। अभी मैं इसके एग्जाम्पल भी कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही कॉस वाले का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आपको जो लर्न करना है वन बाई फोर कॉस थ्री थीटा। और देखो टेन बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है कि नहीं होता, तो टेन का अगर आप निकालोगे तो वन बाई फोर नहीं आएगा। टेन के फॉर्मूले में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है, वन बाई फोर नहीं आएगा, ओनली टेन थ्री थीटा आएगा। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। अब इस पर से सवाल हम कैसे ट्राई करेंगे, कैसे सवाल आ सकते हैं, ये आपके सामने पहला सवाल है। जल्दी से वीडियो पुश कीजिए और वीडियो पे पहले कमेंट करिए कि कौन सा इसका ऑप्शन आने वाला है, जल्दी फास्ट। तो चलिए, आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा साइन टेन साइन फिफ्टी साइन सेवेंटी। अब ये तीन लग तो रहा है कि कुछ फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो देखो अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं, क्या कर लेता हूं मैं इसको थीटा मान लेता हूं, एक सेकेंड। चलिए अगर मैंने इसको थीटा माना थोड़ी देर के लिए तो 60 माइनस थीटा तो 50 डिग्री हो रहा है बिल्कुल। अगर टेन थीटा है तो, है ना, थीटा अगर मैंने क्या मान लिया 10 डिग्री को मान लिया तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। और फिर क्या है 60 प्लस थीटा, तो देखो साइन 70, इसका मतलब इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है 1 बाई 4 साइन 3 इंटू थीटा। थीटा की जगह पे क्या है बेटा 10 डिग्री। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन 30 डिग्री। क्या हो गया, ये साइन 30 डिग्री हो गया। साइन 30 डिग्री की सबको वैल्यू पता है, तो 1 बाई 4 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1 बाई 2। बहुत आसानी से आपका 1 बाई 8 आंसर आ गया। इसी सवाल को अगर आप 11th क्लास में ट्राई किए थे साइन सी प्लस डी के फॉर्मूले लगा के, आपको पूरा एक पेज भरना पड़ा था, बहुत लंबा चला जाता है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट। अगला जो सवाल है इसी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसी पे से है, 10-20 10-40 और 10-80। तो देखिए कैसे होगा, 10-20 अगर मैं 20 को थोड़ी देर के लिए थीटा लैट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं 20 को थीटा लैट किए ले रहा हूं, 20 डिग्री क्या आ गया मेरा थीटा आ गया, तो 60 माइनस थीटा तो 40 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। और 60 प्लस थीटा तो 10-80, फिर से फॉर्मूला लग रहा है। अब फॉर्मूला 1 बाई 4 टेन 3 थीटा नहीं लगेगा, ध्यान रखना क्या लगेगा, ओनली टेन 3 थीटा। टेन 3 थीटा की जगह पे क्या है 20 डिग्री। टेन 60 की वैल्यू सबको याद रहती है, क्या होती है टेन 60 की वैल्यू √3। तो आंसर ए आपका आंसर आ गया, मुझे पूरी उम्मीद है। देखो अभी ये ट्रिक नंबर 2 है, वीडियो पूरी देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत हायर लेवल के क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। ट्रिक से होंगे सारे सवाल आज की इस वीडियो के, तो बने रहना वीडियो पे, तो ये दोनों ट्रिक्स आपको समझ आ गई होंगी। चलते हैं आगे, तो जो ट्रिक नंबर 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है बेटा। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अगर इज इक्वल टू ए दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बताओ, तो वो होता है ए क्यूब माइनस 3a। आप इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी लगा सकते, निकाल सकते हो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का यूज करके। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट से हम एक सवाल अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। वो सवाल क्या है बेटा, आपके सामने स्क्रीन पर आ गया सवाल। सवाल है sec थीटा। अब sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा होता है, ठीक है। sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा होता है प्लस cos थीटा। तो x 1 अपॉन x प्लस x जैसी फॉर्म बन रही है, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहां से, मेरी a की वैल्यू आ गई मेरी √3। और पूछा क्या है सवाल में, आपसे पूछा है 1 अपॉन x का क्यूब, sec को क्या लिख सकते हो cos, और ये x, cos किसी तरह काम कर रहा है x इधर है, तो x का क्यूब। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका a क्यूब माइनस 3a। तो आपकी जो a की वैल्यू है सवाल में वो क्या है, वो तो √3 है। तो √3 का स्क्वायर क्यूब कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 3, a की वैल्यू क्या है √3। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, इस सवाल का जो आंसर आ गया वो आ गया 0, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके लिए। आपको वैल्यू पूछ रहा है tan x माइनस cos x की, आप अपने तरीके से ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए और आंसर कमेंट में जरूर कर दीजिए कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आंसर आ रहा है। मैं अपने तरीके से सवाल को कैसे सॉल्व करता हूं वो मैं आपको सिखा देता हूं बेटा। साइन को आप क्या लिख सकते हो, देखो हिंदी में और इंग्लिश में मैं दोनों में बता देता हूं, आपको वैसे पता होगा सभी बच्चों को। एक होता है ट्रिक होती है याद करने की, लाल बटा कक्का, सबको पता होगी।
ठीक है। और इसको ही अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक होती है, इंग्लिश में बोलते हैं इस ट्रिक को, ठीक है। तो चलिए, तो आपको साइन को क्या लिख सकते हो, पी अपॉन एच, साइन आपने लिख दिया पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस आपने क्या लिख दिया बेटा बी अपॉन एच, और ये दिया हुआ क्या है आपको 17/13 ऐसा दिया हुआ है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ रही है, पी प्लस बी अपॉन एच इज इक्वल टू 17/13। तो देखिए क्या कोई ट्रिपलेट बन रहा है जो इसे सेटिस्फाइड कर रहा हो, जी सर बन रहा है, 5, 12, 13 अगर देखो 5, 12 और 13, 13 क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, 12 परपेंडिकुलर हो गया, 5 बेस हो गया, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। तो आप यहां पे ध्यान से देखो, 5 और 12 को रखोगे तो 17 आ रहा है या नहीं आ रहा, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 13 आ रही है। तो इस तरीके से ट्रिपलेट का यूज कर लेते हैं। अब आपको जो सवाल पूछा गया है, अब आपको पी बी और एच की वैल्यू पता चल गई, आपको पूछा क्या गया, आपको पूछा गया है पी माइनस बी अपॉन एच, सर ये कैसे कर दिया आपने, देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन क्या होता है पी अपॉन एच माइनस बी अपॉन एच, सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा पी माइनस बी अपॉन एच आ जाएगा। तो पी की वैल्यू आपकी 12 थी, ठीक है, और बी की वैल्यू आपकी 5 है, तो यहां से 12-5 कितना हो गया 7, और एच आपका 13 था। तो देखो बहुत ही जल्दी चुटकियों में सवाल का आपका आंसर आ गया 7/13। तो इस तरीके की कोई सवाल अगर आपके फंस रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट का आप यूज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसमें भी मैं आपको डिफरेंट तरीके से कुछ सोचना बताऊंगा। देखो आपके सामने सवाल लिखा हुआ है 2sin x, अच्छा जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं वो पहले आप वीडियो पोस्ट कर करके खुद से भी ट्राई करो, और फिर देखो कि क्या सर कुछ अलग बता रहे हैं डिफरेंट बता रहे हैं, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना जरूर याद रखे, ठीक है। तो 2sin x + 15cos2x = 7 देन cot x, आपको एक इक्वेशन दी गई 2sin x + 15cos2x = 7, और आपसे पूछा गया बच्चों cot x की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आप लोगों का आ गया होगा आंसर। अब देखो जैसे भी आपने ट्राई किया है, मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके के सवालों में हमेशा आपको cot x को मान लेना है, लेट कर लेना है मेरे बच्चों, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें cot x को लेट करोगे, कोई भी वैल्यू डालोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो वैल्यू ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं। जैसे सपोज दैट cot x इसने पूछा है, थोड़ी देर के लिए cot x आप क्या मान लो 3/4, ठीक है, या 5/4 या 1/2, जो भी आप लेट कर सकते हो, 1/4 कुछ भी, इनमें से एक आंसर तो होगा ही होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब अगर इनमें से एक आंसर cot x है और थोड़ी देर के लिए आपने मान लिया कि 3/4 वो मेरा आंसर है, फिर आप 20 से चेक करोगे तो cot बराबर क्या होता है, वही लाल बट्टे कक्का से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, आधार बटा लंब, ठीक है, क्या होता है बेटा cos क्या होता है आधार बटा लंब, और इंग्लिश में बोलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो b और p की वैल्यू आपकी 3 और 4 आ गई। अगर आप इसको cot x मान रहे हो तो b और p की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3 और 4। तो अगर b आपका 3 है, ठीक है, p आपका 4 है, तो h आपका क्या हो गया, ऑटोमेटिकली बात है 5 हो गया, ठीक है, पता चल रहा होगा ये। तो अब अगर ऐसी सारी चीजें हैं तो मुझे ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है इस इक्वेशन में। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका ए ऑप्शन आंसर है, अदरवाइज इसका ए ऑप्शन आंसर नहीं है। जो डिफिकल्टीज होती है ना ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने में, उनसे बचने के तरीके बता रहा हूं मैं आपको आज इस वीडियो में। तो ठीक है चलिए ट्राई करते हैं। तो 2 × sin की जगह क्या आएगा बेटा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या आपका 4 है, 4 अपॉन एच, एच क्या है आपका 5, प्लस 15 कॉस क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है आपका 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और एच हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 25। तो जब इस नंबर को आप सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करके देख लीजिए, तो आप पाओगे कि ये 7 के इक्वल है, ठीक है।
तो इससे आपका ये सेटिस्फाई हो गया, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर ए से नहीं आता अगर आपका आंसर सही, तो फिर आप इसी तरीके से बी ऑप्शन चेक करते, जिस ऑप्शन से आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती वो आपका क्या हो जाता, सही आंसर आ जाता। तो ये भी एक तरीका होता है, मतलब जो जनरल ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी हुई है, अगर आप मुझे कमेंट करोगे वीडियोस में तो मैं आपको जनरल ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा दूंगा एग्जाम से पहले, तो वो तो आपने पढ़ी हुई है, मैं आपको डिफरेंट अप्रोच बता रहा हूँ सवालों की, कि जो फंसाने वाले सवाल होते हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला क्या है बेटा, साइन एक्स वन साइन एक्स टू साइन एक्स थ्री अप टू सो ऑन साइन एक्स की पावर एन तक जा रहा है, कॉस एक्स वन अपॉन में क्या आ रहा है, कॉस एक्स वन कॉस एक्स टू कॉस एक्स थ्री, इस तरीके से चल रहा है, मतलब साइन अपॉन कॉस और एंगल्स क्या है, सेम है। इस तरीके का सवाल भी एनडीए के एग्जाम में आ चुका है, तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, हमेशा टेन, मैं आपको लिख देता हूं क्या बनेगा, टेन और जितने भी एंगल दिए हैं, जैसे यहां से यहां लिखा हुआ है ना एक्स वन प्लस एक्स टू अप टू सो ऑन, ये एक्स की पावर एक्स की एन तक है ना, अपॉन एन, जितने भी एंगल दिए हुए हैं उन सबको ऐड करके आपको उतने ही नंबर से डिवाइड कर देना है। तो इसका मैं एक एग्जांपल जो एनडीए एग्जाम में आया हुआ है वो आपको करवा देता हूं। क्या सवाल है, साइन 30 साइन 50 साइन 70 एंड साइन 90, ध्यान से देखो, बिल्कुल इसमें ट्रिक लगेगी। तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, फिर आगे प्लस कर रहा है, एंगल सेम है, तो अभी जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, टेन, क्या आ जाएगा बेटा, टेन और एंगल्स, एंगल्स क्या है 30 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 90, ठीक है, अपॉन कितना आएगा, एक दो तीन चार फोर एंगल्स हमारे दिए हुए हैं, तो डिवाइडेड बाई फोर। जब आप इसको देखोगे एड करके 30 और 50 कितना हो गया, 80 80 प्लस 90 और 70, तो आप जब इसे ऐड करोगे तो यहां से आपकी एक वैल्यू बन जाएगी और वो बन जाएगी आपकी टेन 60, कितना बन जाएगा बेटा, टेन 60 बन जाएगा। देखिए ऐड कर लीजिए आप 80 70 150 प्लस 90, ठीक है, कितना आ गया 042, 240 में अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा आपका, तो टेन 60 आपका क्या होगा, यहां से आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, एग्जाम में यहां से भी डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं, ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इससे भी आपको एक नया तरीका ट्रिग्नोमेट्री में सीखने को मिलेगा। क्या है सवाल, देखो क्या दिया हुआ है, बहुत प्यारा सवाल है, सवाल है एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यू थीटा बराबर फोर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और आपको दिया हुआ है एक्स साइन थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर जीरो, और आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आईआईटी वगैरह में भी पूछा जा चुका है। तो देखो मैं इस सवाल को बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करूंगा, आप अपनी वीडियो पोस्ट करके अपने लेवल से सवाल को ट्राई कर सकते हो। तो क्या है मेरा तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का, मैं आपको यहां पे कुछ अलग चीज सिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिए, एक्स इंटू साइन क्यूब थीटा अपॉन फोर साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने क्या कर दिया, इस वाली चीज को डिवाइड कर दिया उधर ले जाके, तो इधर क्या आ जाएगा, वाई कॉस क्यूब थीटा अपॉन फोर साइन थीटा कॉस थीटा, इज दैट क्लियर। अब यहां पे आप देख रहे होंगे तो साइन से साइन कट जाएगा और यहां पे कॉस से एक बार कॉस कट जाएगा, तो कुछ इस तरीके का बनेगा एक्स अपॉन फोर कॉस थीटा, दूसरे यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस वाई अपॉन फोर साइन थीटा और यहां आपका आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो गया वन। तो अब मैं जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनिए, क्या सिखाना चाह रहा हूं, देखो आपने इनइक्वालिटीज पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है देखो यहां पर बन रहा है, यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है और ये क्या बन रहा है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब अगर ये 1 है तो जो ये आइडेंटिटी जो ये चीज लिखी हुई है ये भी 1 के बराबर होनी चाहिए,
क्योंकि हमारी आइडेंटिटी तो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। अब यहां पे अगर कुछ चीज लिखी हुई है एक्स या वाई तो उसकी वैल्यू भी तो वन ही वन होनी चाहिए, और कुछ तो हो ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली एक्स अपॉन फोर कॉस थीटा बराबर आ गया वन। ऐसे ही दूसरी भी आइडेंटिटी आ जाएगी, वाई अपॉन फोर साइन थीटा इज इक्वल टू वन। अब यहां आप ध्यान से देखोगे तो x की आपकी वैल्यू निकल के आ चुकी है, x आ गया आपका 4 cos थीटा निकल के, अगर मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो y भी आ गया 4 sin थीटा निकल के। आपसे पूछा क्या था इस सवाल में, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ठीक है x की वैल्यू क्या है बेटा 4 cos थीटा, तो 4 स्क्वायर कितना हो गया 16 cos स्क्वायर थीटा x पुट कर दिया, y की वैल्यू क्या आई आपकी निकल के 4 sin थीटा, तो ठीक है 16 sin स्क्वायर थीटा। अब यहां से 16 कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, तो ये तो क्या होता है, ये तो 1 होता है, तो ये आपका 1 हो गया। चलिए तो आपका इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो 16। तो इस तरीके से भी हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसके भी मैं सेकंड पार्ट बना दूंगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। तो जो ट्रिक नंबर 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है बेटा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर इज इक्वल टू ए दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बताओ, तो वो होता है ए क्यूब माइनस थ्री ए। आप इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी लगा सकते निकाल सकते हो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का यूज करके, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट से हम एक सवाल अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, वो सवाल क्या है बेटा आपके सामने स्क्रीन पर आ गया सवाल। सवाल है sec थीटा, अब sec थीटा क्या होता है, 1 upon cos थीटा होता है, ठीक है sec थीटा क्या होता है 1 upon cos थीटा होता है प्लस cos थीटा, तो x 1 upon x plus x जैसी फॉर्म बन रही है, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहां से, मेरी a की वैल्यू आ गई मेरी रूट थ्री। और पूछा क्या है सवाल में, आपसे पूछा है 1 upon x का क्यूब, sec को क्या लिख सकते हो cos, और ये x cos किसी तरह काम कर रहा है x इधर है, तो x का क्यूब, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका a क्यूब माइनस 3a। तो आपकी जो a की वैल्यू है सवाल में वो क्या है, वो तो रूट थ्री है, तो रूट थ्री का स्क्वायर क्यूब कितना हो जाएगा 3 रूट थ्री माइनस 3, a की वैल्यू क्या है रूट थ्री, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, इस सवाल का जो आंसर आ गया वो आ गया 0। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके लिए। इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 17/3, ठीक है, तो आपको वैल्यू पूछ रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की, आप अपने तरीके से ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए और आंसर कमेंट में जरूर कर दीजिए कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आंसर आ रहा है। मैं अपने तरीके से सवाल को कैसे सॉल्व करता हूं वो मैं आपको सिखा देता हूं। बेटा साइन को आप क्या लिख सकते हो, देखो हिंदी में और इंग्लिश में मैं दोनों में बता देता हूं, आपको वैसे पता होगा सभी बच्चों को। एक होता है ट्रिक होती है याद करने की, लाल बटा कक्का, सबको पता होगी, ठीक है। और इसको ही अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक होती है, इंग्लिश में बोलते हैं इस ट्रिक को, ठीक है। तो चलिए, तो आपको साइन को क्या लिख सकते हो, पी अपॉन एच, साइन आपने लिख दिया पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस आपने क्या लिख दिया बेटा बी अपॉन एच, और ये दिया हुआ क्या है आपको 17/13 ऐसा दिया हुआ है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ रही है, पी प्लस बी अपॉन एच इज इक्वल टू 17/13। तो देखिए क्या कोई ट्रिपलेट बन रहा है जो इसे सेटिस्फाइड कर रहा हो, जी सर बन रहा है 5, 12, 13 अगर देखो 5, 12 और 13, 13 क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, 12 परपेंडिकुलर हो गया, 5 बेस हो गया, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। तो आप यहां पे ध्यान से देखो 5 और 12 को रखोगे तो 17 आ रहा है या नहीं आ रहा, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 13 आ रही है। तो इस तरीके से ट्रिपलेट का यूज कर लेते हैं। अब आपको जो सवाल पूछा गया है, अब आपको पी बी और एच की वैल्यू पता चल गई, आपको पूछा क्या गया, आपको पूछा गया है पी माइनस बी अपॉन एच, सर ये कैसे कर दिया आपने, देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन क्या होता है पी अपॉन एच माइनस बी अपॉन एच, सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा पी माइनस बी अपॉन एच आ जाएगा। तो पी की वैल्यू आपकी 12 थी, ठीक है, और बी की वैल्यू आपकी 5 है,
तो यहां से 12 माइनस 5 कितना हो गया, 7, और एच आपका 13 था। तो देखो बहुत ही जल्दी चुटकियों में सवाल का आपका आंसर आ गया 7/13। तो इस तरीके की कोई सवाल अगर आपके फंस रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट का आप यूज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, इसमें भी मैं आपको डिफरेंट तरीके से कुछ सोचना बताऊंगा। देखो आपके सामने सवाल लिखा हुआ है 2sin x। अच्छा जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं वो पहले आप वीडियो पोस्ट कर करके खुद से भी ट्राई करो, और फिर देखो कि क्या सर कुछ अलग बता रहे हैं, डिफरेंट बता रहे हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना जरूर याद रखे, ठीक है। तो 2sin x + 15cos2x इक्वल टू 7 देन cot x। आपको एक इक्वेशन दी गई 2sin x + 15cos2x इक्वल टू 7, और आपसे पूछा गया बच्चों cot x की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आप लोगों का आ गया होगा आंसर। अब देखो जैसे भी आपने ट्राई किया है, मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके के सवालों में हमेशा आपको cot x को मान लेना है, लेट कर लेना है मेरे बच्चों, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें cot x को लेट करोगे, कोई भी वैल्यू डालोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो वैल्यू ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं। जैसे सपोज दैट cot x इसने पूछा है, थोड़ी देर के लिए cot x आप क्या मान लो, 3/4, ठीक है, या 5/4, या 1/2, जो भी आप लेट कर सकते हो, 1/4, कुछ भी इनमें से एक आंसर तो होगा ही होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब अगर इनमें से एक आंसर cot x है और थोड़ी देर के लिए आपने मान लिया कि 3/4 वो मेरा आंसर है, फिर आप बीच से चेक करोगे तो cot बराबर क्या होता है, वही लाल बट्टे कक्का से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, आधार बटा लंब, ठीक है, क्या होता है बेटा cos, क्या होता है आधार बटा लंब, और इंग्लिश में बोलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बी और पी की वैल्यू आपकी 3 और 4 आ गई। अगर आप इसको cot x मान रहे हो तो बी और पी की वैल्यू आपकी आपकी क्या आ गई, 3 और 4। तो अगर बी आपका 3 है, ठीक है, पी आपका 4 है, तो एच आपका क्या हो गया, ऑटोमेटिकली बात है 5 हो गया, ठीक है, पता चल रहा होगा ये तो। अब अगर ऐसी सारी चीजें हैं तो मुझे ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है इस इक्वेशन में। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका ए ऑप्शन आंसर है, अदरवाइज इसका ए ऑप्शन आंसर नहीं है। जो डिफिकल्टीज होती है ना ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इक्वेशन को सॉल्व करने में, उनसे बचने के तरीके बता रहा हूं मैं आपको आज इस वीडियो में। तो ठीक है चलिए ट्राई करते हैं। तो 2 × sin की जगह क्या आएगा बेटा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या आपका 4 है, 4/h, h क्या है आपका 5, +15cos क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है आपका 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और h हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 25। तो जब इस नंबर को आप सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करके देख लीजिए, तो आप पाओगे कि ये 7 के इक्वल है, ठीक है। तो इससे आपका ये सेटिस्फाई हो गया, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर ए से नहीं आता अगर आपका आंसर सही, तो फिर आप इसी तरीके से बी ऑप्शन चेक करते, जिस ऑप्शन से आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती वो आपका क्या हो जाता, सही आंसर आ जाता। तो ये भी एक तरीका होता है, मतलब जो जनरल ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी हुई है, अगर आप मुझे कमेंट करोगे वीडियोस में तो मैं आपको जनरल ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा दूंगा एग्जाम से पहले, तो वो तो आपने पढ़ी हुई है। मैं आपको डिफरेंट अप्रोच बता रहा हूँ सवालों की, कि जो फंसाने वाले सवाल होते हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है बेटा, sin x1 sin x2 sin x3 अप टू सो ऑन sin x की पावर n तक जा रहा है, cos x1 अपॉन में क्या आ रहा है, cos x1 cos x2 cos x3, इस तरीके से चल रहा है। मतलब साइन अपॉन कॉस और एंगल्स क्या है, सेम है। इस तरीके का सवाल भी एनडीए के एग्जाम में आ चुका है। तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, हमेशा tan, मैं आपको लिख देता हूं क्या बनेगा, tan, और जितने भी एंगल दिए हैं, जैसे यहां से यहां लिखा हुआ है ना x1 + x2 up to so on, ये x की n तक है ना, अपॉन एन, जितने भी एंगल दिए हुए हैं उन सबको ऐड करके आपको उतने ही नंबर से डिवाइड कर देना है। तो इसका मैं एक एग्जांपल जो एनडीए एग्जाम में आया हुआ है वो आपको करवा देता हूं। क्या सवाल है, sin 30 sin 50 sin 70 एंड sin 90। ध्यान से देखो, बिल्कुल इसमें ट्रिक लगेगी।
तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, फिर आगे प्लस कर रहा है, एंगल सेम है, तो अभी जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, टेन, क्या आ जाएगा बेटा, टेन, और एंगल्स, एंगल्स क्या है, 30 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 90, ठीक है, अपॉन कितना आएगा, एक दो तीन चार, फोर एंगल्स हमारे दिए हुए हैं, तो डिवाइडेड बाई फोर। जब आप इसको देखोगे ऐड करके, 30 और 50 कितना हो गया, 80 प्लस 90 और 70, तो आप जब इसे ऐड करोगे तो यहां से आपकी एक वैल्यू बन जाएगी, और वो बन जाएगी आपकी टेन सिक्सटी। कितना बन जाएगा बेटा, टेन सिक्सटी बन जाएगा। देखिए ऐड कर लीजिए आप, 80 70 150 प्लस 90, ठीक है, कितना आ गया, 042। 240 में अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा आपका। तो टेन 60 आपका क्या होगा, यहाँ से आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस तो ये सब ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से भी डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं, ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इससे भी आपको एक नया तरीका ट्रिग्नोमेट्री में सीखने को मिलेगा। क्या है सवाल, देखो क्या दिया हुआ है, बहुत प्यारा सवाल है। सवाल है एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यू थीटा बराबर फोर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और आपको दिया हुआ है एक्स साइन थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर जीरो, और आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आईआईटी वगैरह में भी पूछा जा चुका है। तो देखो मैं इस सवाल को बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करूंगा, आप अपनी वीडियो पोस्ट करके अपने लेवल से सवाल को ट्राई कर सकते हो। तो क्या है मेरा तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का, मैं आपको यहाँ पे कुछ अलग चीज सिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। एक्स इंटू साइन क्यूब थीटा अपॉन फोर साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने क्या कर दिया, इस वाली चीज को डिवाइड कर दिया उधर ले जाके, तो इधर क्या आ जाएगा, वाई कॉस क्यूब थीटा अपॉन फोर साइन थीटा कॉस थीटा, इज दैट क्लियर। अब यहां पे आप देख रहे होंगे तो साइन से साइन कट जाएगा और यहां पे कॉस से एक बार कॉस कट जाएगा, तो कुछ इस तरीके का बनेगा एक्स अपॉन फोर कॉस थीटा, दूसरे यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस वाई अपॉन फोर साइन थीटा, और यहां आपका आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो गया वन। तो अब मैं जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनिए, क्या सिखाना चाह रहा हूं। देखो आपने एक इनइक्वालिटीज पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, देखो यहां पर बन रहे, यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है और ये क्या बन रहा है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर ये 1 है तो जो ये आइडेंटिटी, जो ये चीज लिखी हुई है, ये भी 1 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी तो क्या है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब यहां पे अगर कुछ चीज लिखी हुई है x या y, तो उसकी वैल्यू भी तो 1 ही 1 होनी चाहिए, और कुछ तो हो ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली x अपॉन 4 cos थीटा बराबर आ गया 1। ऐसे ही दूसरी भी आइडेंटिटी आ जाएगी, वाई अपॉन फोर साइन थीटा इज इक्वल टू वन। अब यहां आप ध्यान से देखोगे तो एक्स की आपकी वैल्यू निकल के आ चुकी है, एक्स आ गया आपका फोर कॉस थीटा निकल के, अगर मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो वाई भी आ गया फोर साइन थीटा निकल के। आपसे पूछा क्या था इस सवाल में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ठीक है एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, फोर कॉस थीटा, तो फोर स्क्वायर कितना हो गया, 16 कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स पुट कर दिया, वाई की वैल्यू क्या आई आपकी निकल के, फोर साइन थीटा, तो ठीक है 16 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से 16 कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, तो ये तो क्या होता है, ये तो 1 होता है, तो ये आपका 1 हो गया। चलिए तो आपका इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो 16। तो इस तरीके से भी हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसके भी मैं सेकंड पार्ट बना दूंगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।